तुम्हारी तरफ ही चल के आ रहे हैं। अब जल्दी से यहाँ से उठ के चले जाइए। वो यहाँ नहीं देख रहे, अब जाइए। बैठो, नमस्ते। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं वेट कर रही थी, अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी। तुम उसे नहीं जानती हो, देखो ना, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, अब तक नहीं आई। लेकिन तुम तो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आने वाली थी ना? अब बिजनेस मीटिंग? हाँ, वो बिजनेस मीटिंग के लिए तो आ रही है। मेरा मतलब है कि वो यहाँ आएगी तो हम दोनों एक साथ मीटिंग के लिए जाएंगे। वैसे तुम यहाँ कैसे? मेरा मतलब है, तुम दोनों एक साथ यहाँ अचानक? वो इनकी भी कोई बिजनेस मीटिंग है तो क्लाइंट के साथ लंच पे आए थे। जीजू! कुछ कहना चाहती हैं आप? वो मैं बस यही कहना चाहती थी कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। लीजिए, आप यहाँ हैं? मैं आप ही को ढूंढ रहा हूँ। अरे वासवानी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्कार जी। ये वासवानी जी हैं, ये हमारे अच्छे दोस्त और क्लाइंट भी। वासवानी जी, ये हमारी धर्म पत्नी नीलिमा। नमस्कार जी। और ये इनकी सहेली निशा। हाय। नमस्कार जी। भाभी जी कहाँ हैं? जी है, वहाँ बैठी है। आप चलेंगी साथ में? नहीं नहीं, आप चलिए, मैं यही अपनी फ्रेंड की वेट करूंगी। हुँ? बच गई, वरना आज तो पकड़ी ही गई थी। मेरी व्हाइट जैकेट नहीं मिल रही है, जरा ढूंढ दोगी? हाँ। अंबर, वो कुछ कहना था? नहीं, बाद में कहती। तुम भी ना। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। अंबर, क्या पता कब तुम मेरे करीब आकर मेरे दिल में समाते गए। पता है, जब तुम मेरी चोटी खींचकर भागते थे ना, तब भी मुझे तुम पर प्यार आता था। जब मेरी आइसक्रीम चुराकर भागते थे तब भी, और जब मुझसे झगड़ा करते थे तब भी मुझे तुम पर प्यार आता था। हर एक बात, हर एक अदा से प्यार है मुझे, क्योंकि मैंने तुम्हें चाहा है, तुमसे प्यार किया है। मेरी हर एक सांस ने तुम्हें चाहा है अंबर,
हर एक सांस तक। लेकिन अपनी चाहत को अपनी आंखों के सामने दूर जाते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ अंबर? तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी, किसी का भी नहीं। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सब करूंगी। मैं वो सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए। Gorgeous, huh? Thank you. चले? चलो एक मिनट हाँ। Thanks. चलो चलो अगर तुम्हें नारी का यही रूप पसंद है तो यही सही। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी बनने को तैयार हूं मैं। पागल तो नहीं हो गई? अम्मी क्या किया है मैंने? सिर्फ थोड़ा सा मेकअप ही तो किया है ना, आजकल तो हर लड़की करती है। वो सब उन लोगों को करने दे, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये महंगे शौक पालने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी ज्यादा दिक्कत पाँव फैलाओ। अम्मी ऐसा क्या कर दिया है मैंने? और मैं ये सब क्यों नहीं कर सकती? मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। मैंने तुझसे कह दिया ना,
ऐसा नहीं कर सकती, मतलब ऐसा नहीं कर सकती। पर क्यों? क्योंकि ये हमारी तहजीब नहीं है, ये हमारी औकात नहीं है। इस बात का तहजीब और औकात से क्या ताल्लुक है अम्मी? खूबसूरत दिखना हर औरत का हक होता है और मुझे भी पूरा हक है कि मैं सच सवर सकूं। आप बेशक मुझे मना कर दीजिए, लेकिन मैं ये करूंगी। बदतमीज कहीं की, मुझसे सवाल लड़ा दिए, शर्म नहीं आती तुझे? सुन गुंजन, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। देखो ना बहू कैसे जबान लड़ा रही है, इससे ये अमीरों के शौक कहां से चढ़ गए? ये महंगे कपड़े, ये सेंट, ये गहने, ये सब हमारे लिए नहीं। बस आपने आज कह दिया, आज के बाद कभी मत दोहराइएगा। क्या आप इस परिवार से अलग हैं? अरे आप तो इस परिवार की मुखिया हैं फातिमा बी। और गुंजन, गुंजन नंदनी या अंबर से कम नहीं है इस परिवार के लिए। तो फिर ये अमीरों के शौक और औकात की बात कहाँ से आ गई? आपकी इन बातों ने गुंजन के मन में घर कर लिया तो वो अपने आप को हमसे अलग समझने लगेगी। तेरी बात सही है बेटा, लेकिन ये हम लोग की तहजीब भी तो नहीं है। क्या हम गुंजन को नहीं जानते? और जो संस्कार आपने गुंजन को बचपन से दिए हैं, वो क्या जरा से मेकअप लगा लेने से या अलग पहनावे से मिट जाएंगी? नहीं फातिमा भी, और हर उम्र की एक जरूरत होती है। जैसे बचपन में हमें खिलौने अच्छे लगते हैं, उसी तरह जवानी में पहनना ओढ़ना सजना संवरना ये सब अच्छा लगता है। और गुंजन भी यही सब कर रही है जो उसकी उम्र में सभी करते हैं। उसे मत रोकिए, उसे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी लेने दीजिए और वो अपनी मर्यादा को नहीं लांगेगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। लेकिन बेटा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं फातिमा। ये घर की बेटियों की इच्छा पूरी करना ये घर का फर्ज है। ये मत भूलिए, इस घर के दो बेटियां हैं, हमारी दो बहनें हैं, नंदनी और गुंजन। अरे गुंजन जो करना चाहती है उसे करने दीजिए ना, काहे रोक रही हैं आप? अगर नंदनी सब करना चाहती तो क्या उसे रोकते? नहीं ना, तो फिर करने दीजिए। और अगर आपने गुंजन को रोका तो हम ये समझेंगे कि हमसे ज्यादा आप गुंजन को अपनी औलाद मानते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? बुरा लगा ना, हमने झूठ कहा था, लेकिन हमको भी उतना ही बुरा लगता है जब आप गुंजन को हमसे कम समझती हैं। गुंजन भाई राजा की बहन है और हम अपनी बहन को कभी दुखी नहीं देख सकते। गुंजन की जिम्मेदारी अब मुझ पर छोड़ दीजिए, उसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं अब से मैं देखूंगी। देखिएगा, अब हम गुंजन के लिए अच्छा सा दूल्हा ढूंढ कर लाएंगे। लाखों में एक होगा फातिमा भी। अब तो मुस्कुरा दीजिए। Thank you.
पता है जब मेरी शादी तय हुई थी तो तुम्हारे भैया ने मुझसे क्या कहा था? क्या? यही कि मेरी दो बहनें, बड़ी नंदनी और छोटी लाडली गुंजन। और ऐसा कभी हो सकता है कि इस घर की लाडली के दिल में कोई ख्वाहिश जागी हो और वो पूरी ना हो? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तूने अगर आसमान से तारे भी मांगे होते ना तो तेरे भैया जरूर लेके आते। भाभी। हेलो। हाय। तो क्या हुआ तुम्हारे अंबर का? मेरी कोक में आइस डालने गया है। What a loser. Wow. तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अंबर को अपना चरणदास बना ही लिया। वैसे एक बात कहूं, मुझे लगता है कि अंबर और गुंजन की जोड़ी इज मेड फॉर ईच अदर। क्यों? अब देखो ना, गुंजन अंबर से पागलों जैसे स्टूपिडली प्यार करती है और अंबर इडियट्स की तरह तुमसे प्यार करता है। अब दोनों इडियट इडियट की जोड़ी है ना मेड फॉर ईच अदर। टोटली। डोंट वरी निशा, अंबर को तो मैं संभालूं। बस टेंशन एक ही बात का है, वो गुंजन। बस हमारे प्लान की सक्सेस होने से पहले वो गुंजन अंबर को लेकर कोई नाटक ना शुरू कर दे, क्योंकि वैसे भाई राजा ने तो गुंजन और फातिमा बी को सर पे चढ़ा के रखा है। अगर भाई राजा को पता चल गया कि गुंजन लाइक्स अंबर, तो भाई राजा तो अंबर पर गुंजन को अपनाने के लिए दबाव डालना शुरू कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? अब भाई राजा अंबर पर कोई दबाव तब डालेंगे ना जब उन्हें कुछ पता चलेगा, क्योंकि गुंजन जैसी बहनजी टाइप ऑफ लड़कियां बस किसी को दिल ही दिल में चाह सकती हैं, लेकिन अपनी चाहत को पाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। So don't worry about गुंजन, क्योंकि वो कुछ नहीं करने वाली, वो बस अपने प्यार की आग में सुलगती रहेगी। ओके। और अंबर को तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाती रहूंगी, और ये सब हमें तब तक करना है जब तक नीलिमा और भाई राजा के बीच में हम दूरी नहीं पैदा कर देते। अच्छा बाय द वे निशा, दादी से बात हुई क्या? आगे क्या प्लान है, कुछ फाइनल हुआ? आगे का पूरा प्लान फाइनल हो चुका है। बस अब तुम्हें इतना करना है कि कल फील्ड को एकदम क्लियर रखना, और फिर मौका पाते ही मैं भाई राजा की ताबूत में आखिरी कील ठोक दूंगी। एंड दैट्स इट, गेम ओवर।